मेरठ के ममाना कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में उस समय छात्राओं की तबीयत बिगड़ी जब उन्हें पौष्टिक आहार में दाल रोटी दी गई। उसे खाने के बाद अचानक एक एक कर कई छात्राओं की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, जिन्हें निकट ही सरकारी अस्पताल में भेजा गया। लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण वहां उनका इलाज नहीं पाया तो डॉक्टरों ने सभी को मेरठ मेडिकल जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें, आज छात्राओं को पौष्टिक आहार के नाम पर खाने में चाय पकौड़ी दाल रोटी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। पौष्टिक आहार न मिलने से छात्राओं की तबीयत खराब हुई। शुरू में 3 की हालत गंभीर। छात्राओं को विद्यालय में नहीं मिल रही है पूर्ण सुविधाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में BSC योगिंदर सिंह पहुंचे, छात्राओं को देखने ममाना पहुंचे। इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया, सभी ममाना की ओर दौड़ पड़े। वहीं जिला प्रशासन खाने में दी गई खाद्य सामग्री की जांच के लिए भेज दिया है। इसमें जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। लेकिन कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पर सवाल उठने लाजमी है कि बच्चों को खाने के लिए दी जाने वाली खाद्य सामग्री में इतनी बड़ी लापरवाही किस कारण हुई और अभी तक इसे बनाने वाले से पूछताछ क्यों नहीं हुई। क्या खाया था आपने? यहीं पर। अच्छा, आपके कोई मैम का गई है यहाँ से? जो ट्रांसफर हुआ, जो प्रमोशन हुआ, उसका कुछ दुख वुख है आपको? क्या हुआ है? अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या नाम था मैम का? अच्छा, बाकी टीचर आप प्यार नहीं करते आप? ठीक है। ये अभी मेरे को कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ बच्चियाँ बीमार हो गई हैं, तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने कस्तूरबा विद्यालय में भी गया था, तो सर में दर्द की शिकायत बता रही हैं बच्चियाँ। तो शायद गर्मी की वजह से है, और जो थोड़ा सा वैसा ज़्यादा परेशान महसूस हो रही थी तो उनको यहाँ पे PSC में ले आए हैं। डॉक्टर साहब की निगरानी में हैं, तो अभी जैसा कि आप लोग भी थे तो डॉक्टर साहब कह रहे थे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएंगी। एक थोड़ी सी बच्ची ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो उसको हमने मेरठ रेफ़र कर दिया प्यारेलाल अस्पताल में, तो वहाँ भी सूचना मिली कि वो ठीक है। टोटल कितनी बच्चियाँ हैं यहाँ पे? अभी आज के टाइम 90 बच्चियाँ हैं यहाँ पर। जो बीमार पड़ी हुई हैं वो 11 तो वहाँ पे हैं, जो बता रही थी कि सर में दर्द हो रहा, 4 यहाँ पे हैं, तो 15 हैं सारे टोटल। क्या कारण निकल के आ रहा है सर? सर इसमें यही अभी तो जो मेरे को लग रहा है कि गर्मी की वजह से बीमार हैं। थोड़ा फूड का भी, खाने का भी, जो सुबह इन्होंने चाय और पकौड़ी का नाश्ता किया था तो उसका भी सैंपल हमने रख लिया है। अभी हमने फूड सेफ्टी वालों को बुलवाया है, उसका भी सैंपल देंगे, तब जांच में आ पाएगा कि क्या है, कहीं फूड पॉइजन की वजह से तो नहीं हुआ है। जैसे मुझे तो जहां तक लग रहा है कि ये गर्मी की वजह से ज़्यादा है। एक बेड, एक रूम में 32 बच्चियाँ रहती हैं, बेड कम है और उसमें फैन भी की सुविधा भी कम है। ये कस्बे वाला मामला क्या है? कितनी बच्चे यहाँ पर आई हैं, क्या हुआ इनको? देखिए, सुबह लगभग 10 बजे के बाद से हमारे पास 2 बच्चियाँ आई थी जिनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फर्स्ट एड देने के बाद हमसे यहाँ जितना हो सकता था हमने उसको मैनेज किया। उसके बाद हमने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन वहाँ से अभी पता चला है कि वो भी बच्चियाँ ठीक हैं बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास लगभग 8 बच्चियाँ आई हैं, जिसमें से 2 अभी भी थोड़ी सी क्रिटिकल हैं। हम मैनेज करने की कोशिश करें, यदि हमारे पास मैनेज नहीं हो पाएगा तो हम उन्हें आगे भेज देंगे, रेफर कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आ रही है चिकित्सकों की कमी है। अभी हाल ही में जो ट्रांसफर हुए हैं हमारे यहाँ से, 4 चिकित्सकों के ट्रांसफर हो गए और एक ही उनके बदले आए हैं। इनकी तकलीफ क्या निकल के आ रही है सर? क्या किस वजह से हुआ है उस लड़की से? जैसा समझ में आ रहा है, पैनिक अटैक है या सुबह बता रहे हैं कि उन्होंने पकौड़ी खाई है। अब उसका तो जाँच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फूड पॉइजनिंग जैसा लग रहा है, हल्के लक्षण है। लेकिन इनकी जो मैडम है वो ये कह रही है कि इनकी वार्डन मैम का ट्रांसफ़र हुआ है, बच्चे उनके साथ बहुत लगाव रखते थे, उसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। लेकिन एक साथ इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की तबीयत बिगड़ना, थोड़ा सा उससे कम ही लगता है कि वैसा नहीं हो पाएगा। स्कूल बराबर में आपके बराबर में कब तक यहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं बच्चे या नहीं आते? सर हमारी टीमें ही हर महीने और हर हफ्ते RKSK की जो टीमें होती हैं वो जाँच के लिए जाती हैं, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो इनके यहाँ के जो कर्मचारी हैं या मैडम हैं, अक्सर कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर लेके आते रहते हैं। तो CSC प्रभारी, आप प्रथम दृष्टा क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कि नाश्ते की खाने की वजह से हुआ या उनके जो मैडम की? गर्मी है, मौसम बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है।